कहते हैं कि जो फेथ है ना वो पहाड़ को भी हिला सकता है फेथ क्या होता है फेथ होता है अगर हम कहें तो इजी वे में हिंदी में विश्वास थोड़ा डिफिकल्ट में जाना है तो आस्था किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट जबकि उस चीज़ का कोई सबूत ना हो कि कोई ऐसी चीज़ है उसका सबूत ना हो लेकिन हमें उस पर भरोसा है हमें उस पर ट्रस्ट है उसको फेथ कहते हैं फेथ को ज़्यादातर धर्म से रिलेट करा जाता है और इस चैप्टर में भी हम इस चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे कि जब ये फेथ है ये कितना मतलब सच है किस चीज़ में हमें फेथ रखना है ये फेथ होता भी है ये स्टोरी है एक मेक्सिको में रहने वाले एक फार्मर की जिसका नाम है लें ओके सो so, मेक्सिको कहाँ है मेक्सिको साउथ अमेरिका में है जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं सो so, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर ओके द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एक अकेला घर जो पूरी वैली की सबसे छोटी वाली जो हिल है ना उसके ऊपर था फ्रॉम दिस हाइट वन क्ल सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डूटेड विद फ्लावर्स विद ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट इस हाइट से हम देख सकते थे कि वहाँ एक नदी बह रही थी और एक कॉर्न यानी जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं मक्का भी कहते हैं वो अभी काफ़ी छोट छोटा था और उसके जो फ्लावर्स थे वो हम आराम से वहाँ फीड उस घर से देख सकते थे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपुर और एटलीस्ट अ शावर अब द ओनली चीज़ जो धरती को चाहिए थी अर्थ को या इसमें ग्राउंड कह रहे हैं जो अकेली चीज उस लैंड को चाहिए थी वो थी एक शावर या एक डाउनपुर मतलब बरसात ओके द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इल्टीमेटली हैडन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट पूरी मॉर्निंग भर लेंचो जिसको अपनी फील्ड्स इंटीमेटली पता थी इसका इंटीमेटली मतलब वो अपनी फील्ड को अच्छे से जानता था मतलब एक फार्मर अपनी फील्ड को जानता है कि उसको कब फील्ड को क्या कब क्या चाहिए ये मतलब उन्हें इंटीमेटली जानने का सो so, वो जानता था कि उसकी फील्ड को अब क्या चाहिए थोड़ा पानी चाहिए तो वो सुबह से बस आसमान में ही देखता जा रहा था नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वोटर वूमेन उसने बोला अप, द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सब पर रिप्लाइड येस गॉड वेलिंग सो इसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो वुमेन की जो बात है वो उसकी वाइफ होगी जिसको वो कह रहा है कि लंचो कह रहा है कि शायद अब हमें पानी मिलने वाला और वुमेन कह रही है हाँ अगर भगवान चाहे तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स वायर द स्मॉलर वर्न्स व प्लेंग नियर द हाउस एंडिल द वुमेन कॉल द मॉल कम फॉर डिनर अब जो बड़े लड़के थे लंचो के वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे वाले थे वो घर के आसपास खेल रहे थे और फिर उसके बाद वो लोग सब लोग डिनर करने लगे इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज़ लंचो हैज़ प्रडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड क्ल बी सीन अप्रोचिंग सो जैसे कि लंचो ने कहा था कि बरसात होने वाली है पानी बरसने वाला है बहुत बड़ी बड़ी पानी की बरसात गिरने लग गई और नॉर्थ ईस्ट से जहाँ वो देख रहा था वहीं से माउंटेन जो है वहाँ से बहुत सारे बादल भी आने लग गए द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव प्रेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन इज बॉडी सो जो लंचो था वो घर बाहर निकला घर से और उसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया जैसी बरसात गिर रही थी और जैसे हम बरसात में खड़े होने जाते हैं और हम बरसात को फील करते हैं वो सी करने वही सब करने के लिए लंचो घर से बाहर निकल गया एंड वेन ही रिटर्न ही एज क्लेम्ड दीज आर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दीज आर द्यू कॉइंस द बिग ड्रॉपिस एंड द लिटल वर्न्स आर फाइव्स सो अब लंच कह रहे सिर्फ बरसात की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं ये सिक्के हैं जो बड़े वाले सिक्के वो दस सेंट के हैं और जो छोटे वाले हैं वो फाइव के हैं और सेंट को मान लो अब जैसे इंडिया में रुपीज़ होते ना पाँच रुपया दस रुपया आप सेंट को वैसे ही मान लो वही होता है ठीक है विद अ सेटिसफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ ड्राइप कोन विद फ्लावर्स ड्रेवड इन करटन्स ऑफ रेन सो उसके बाद वो आराम से अपनी फील्ड को देख रहा था किस तरीके से बरसात की बूँदें जो हैं वो उसकी जो कौन की खेती थी उसके जो फ्लार्स अभी उगे थे उसके ऊपर गिर रहे थे बट सडनली आर स्ट्रॉग विड बिगिन टू ब्लो अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल बट अचानक से बहुत तेज हवा चलने लग गई और हिल स्टोन्स हिल स्टोन्स मतलब ओस ओ, ओ सॉरी ओसनी ओसनी ओले ओले गिरते ना आसमान में वो गिरने लग गए These truly did not resemble like new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो वो सिक्के थे ना पहले तो लंच ऐसे ही मज़े में कह रहा था ये सिक्के नहीं, ये पैसे हैं पैसे लाइक क्योंकि अगर बरसात होगी फिर इस कौन जो खेती वो कर रहा था वो और बड़ी होएगी और फिर उसके बाद फिर पैसे आ रहे इस तरीके से वो एक मज़े में कह रहा था लेकिन अब जब ये ओले गिरने लग गया बरसात अभी अभी असली में सिल्वर के सिक्के लगने लग गए थे क्यों क्योंकि जो ओले थे ना वो इतने बड़े थे कि वो इतने चमक रहे थे आसमान में और वो इतने बड़े थे कि लंचों को लगा कि वो असली में अब सिक्कों की तरह ही देखने लग गए थे और ये अच्छी बात नहीं थी और फिर जो उसके बच्चे थे ना वो अचानक से वहाँ बाहर चले गए और फिर वहाँ जाके वो जो फ्रोज़न पर्ल्स मतलब वो जो ओले गिरे थे उनको जमा करने लगे गए स्टील गेटिंग बैड नाउ इस द मैन आई हैव इट पासिस क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली अब लंचो ने कहा कि ये अभी बुरा हो रहा है और फिर वो होप करता है कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए लेकिन वो जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ फोर एंड हाफ आर द हिल रेन ऑन हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड ओन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज एफ कवर्ड विद सोल्ट सो पूरे एक घंटे तक तूफान चलता रहा ओले गिरते रहे और सिर्फ लंचों के घर के ऊपर गिरते रहे फिर गार्डन में उसकी उसकी जितने भी हिल थी पूरी कॉर्न फील्ड थी जितनी भी वैली थी ना वहाँ आसपास सब में पूरे हिल में वो तूफान आया हुआ था और जो फील्ड फे, थी ना वो पूरी सफ़ेद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक से वो कवर हुई हुई हो नोट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एक भी पतियाँ नहीं बची थी पेड़ों पे जो कॉर्न भी उगाया हुआ था वो भी बर्बाद हो चुका था द फ्लार्स वर गॉन फ्रॉम द प्लान्ट लंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस जो फ्लॉर्स थे ना जो कह रहा था कि लंचों की उसकी कौन फील्ड के ऊपर लगे हुए हैं वो सब गायब हो चुके थे खराब हो चुके थे और लंचो बहुत बुरा, बुरा लग रहा था लंचो को विद द स्ट्रोमी इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिस्स अ प्लेक ऑफ लूकेस्ट वर्ल्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस द हेल लेफ्ट नथिंग दिस इयर वी विल हैव नो कॉन That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. तो उसके बाद जो लेंचो था वो अपने बेटों को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुल्ड हैव लेफ्ट मोर देन दिस मतलब द प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है एक टाइप के ना कीड़े होते हैं लोकस्ट जैसे एक ग्रास ऊपर हो होते हैं ना उन्हीं की तरह के होते हैं वो ना फसलों को खा के बर्बाद कर देते हैं उनको तो लंचो अपने बेटों से कहता है कि अगर वो आ जाते हैं ना मतलब प्लैग प्लैग मतलब उनकी मतलब जब वो बहुत सारी क्वांटिटी में आ जाते हैं फिर वो पूरे खेत में हमला कर देते तो कहता है कि तब इससे ज़्यादा बच जाता जो ये हेयर स्ट्रोम आ गया ये जो तूफान आ गया इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा दिस या वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हम कोई कॉर्न नहीं होगा हम फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो रात थी वो बहुत बुरी रात थी जितनी भी उन लोगों ने मेहनत करी उगाया वो सब किसी काम का नहीं रहा अब लेंचो फिर आपने कह रहा है कि कोई हमारी मदद भी नहीं कर सकता इस साल हम सब लोग भूखे ही जाएंगे